बड़ी नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और कैसी चल रही है तैयारी और गर्मी का क्या हाल चाल है? मेरे तरफ तो बहुत गर्मी है, मतलब हीट वेव्स के चक्कर में दिमाग की दही हो गई है। आपके यहाँ क्या चल रहा है? अगर आप दिल्ली नोएडा में नहीं रहते हो तो आप जिस शहर में रहते हो, क्या कैसा है माहौल? कितना टेम्परेचर है और इसका वजह क्या है? देखिए, हीट वेव्स की एक अलग वजह होती है और हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जगह तो इलेक्ट्रिसिटी भी जा रही है। तो कमेंट करके बताइएगा, हमें भी पता चले आपके तरफ क्या माहौल है, क्या चल रहा है। ठीक है, अच्छा, इन बातों बातों में मैंने दो क्विज आपके लिए रेडी करके रखे हैं। ठीक है, एक तो अपना क्विज वन क्विज टू है। ये आज थोड़ा सा हिंदी सिनेमा स्पेशल डे था तो उससे रिलेटेड हमने ये क्विज रेडी करके रखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, सो क्विज वन इज डिस्क्राइब्ड एज सिटी विद इन सिटी, किसको कहा जाता है? ठीक है, ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और बाकी क्विज टू सत्यजीत रे पे है, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म रही है उसके ऊपर। कल इसको डिस्कस कर लेंगे हम, कमेंट करके बता दीजिएगा। इट्स गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हम आते हैं आज के सेशन पे। आज है दोस्तों 18th of May, यानी कि वेंसडे, और हमारी जो टू डू लिस्ट है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला है हमारा सीडी की ऑफलाइन क्लासेस, कि ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बता दिया है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो आप आओ हमसे मिलो। सिविल्स दिल्ली के ऑफलाइन क्लासेस अब शुरू हो चुकी हैं, तो इंतजार किस बात का है? आइए और अपने मेंटर से मिलिए, आइए और अपनी फेस टू फेस प्रॉब्लम सॉल्व करिए। जो भी आपके डाउट्स हैं हम रेडी रहेंगे। इनफैक्ट अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप ऑफिस आइए और फिर ऑफिस टीम जो रहेगी आप उनको बताइए, एंड देन हम भी आ जाएंगे आपसे मिलने। ठीक, और मैंने बहुत दिनों से अटका रखा है कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम संवाद करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो वो मौका आ गया है, वो टाइम आ गया है और वो हम करेंगे कल। कल या फ्राइडे, फ्राइडे को करते हैं। ठीक है, फ्राइडे को जनता काफी रहती है, फ्राइडे को करते हैं। फ्राइडे दी 19th नहीं, ये 20th होगा। ओके, फ्राइडे को 7 बजे शाम को हम बैठते हैं यहाँ पे और संवाद करते हैं, डिस्कशन करते हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर हम चर्चा करेंगे और आप रेडी रहिएगा। ठीक है, तो चलिए, हमारा कम्युनिटी स्पेस जो है इस पे भी हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि एक संवाद होने वाला है और आपको हर जगह हम रिमाइंड कराते रहेंगे। सो इस रिमाइंडर के लिए भी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे, सो दैट आप हमसे कनेक्टेड रहें, हमारी जो वीडियोज़ है वो आपके तरफ पहुँचे। राइट, ये एक वायरल वीडियो है, इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप IAS बनना चाहते हैं इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, बहुत अच्छी बूस्ट मिलेगी। आई एम श्योर आप सबने इसको ज़रूर देखा होगा। चलिए, अब हम चलते हैं आज के हमारे एडिटोरियल पे। आज का एडिटोरियल, दो एडिटोरियल है और दोनों फिलोसॉफिकल हैं। ठीक है, दोनों पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, एक तो सोशियोलॉजी से है और एक IR से रिलेटेड है। तो GS2 और GS1 का ये ब्लेंड है। मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं दे रखा है इसमें, लेकिन ये समझने वाली बात है, समझाने वाली बात है। अब समझने समझाने वाली बात यह है, एक तो शशि थरूर साहब खुद, जिनकी 23 बुक निकल चुकी है, 23 बुक के ऑथर हैं, उन्होंने खुद इस आर्टिकल को लिखा है, तो बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। और दूसरा है, सोशल साइंस ऑपरेट्स विथ मल्टीपल ट्रुथ। तो इस आर्टिकल को पहले हम कवर करते हैं, सोशल साइंस ऑपरेट्स विथ मल्टीपल ट्रुथ। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मॉडर्न हो तो आप क्या कहोगे? यस नो, अगर मैं आपको जवाब देता हूं कि आपके पास ऑप्शन है यस और नो, मैं आपसे कहता हूं कि आर यू मॉडर्न, तो आप जवाब में क्या कहोगे? यस कहोगे या नो कहोगे? राइट, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर इंडिया से पेट्रियार्की खता खत्म कर दी जाए तो क्या विमेन एम्पावरमेंट बढ़ सकता है, जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है वो खत्म हो सकता है? यस नो में आपको जवाब देना है, तो आप क्या कहोगे? अगर मैं आपसे कहूं कि आज आप कितने खुश हैं, या फिर क्या आप खुश हैं, यस और नो में जवाब देना है, तो आप क्या कहोगे? मेरे ये सवालों के पूछने का मतलब इसलिए है दोस्तों कि सोशल साइंस में मल्टीपल चॉइस ऑप्शन नहीं होते हैं। सोशल साइंस इज बियॉन्ड व्हाट यू आर रीडिंग, सोशल साइंस इज बियॉन्ड व्हाट इज रेकमेंडेड इन योर सिलेबस। ओके, सोशल साइंस इज समथिंग विच इज नॉट बाउंड बाई दोज 4 ऑप्शन, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं हमारे MCQs। ठीक है,
क्योंकि सोशल साइंस जो है वो डेमोग्राफी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, वहाँ के कल्चर के हिसाब से, वहाँ की हेट्रोजिनिटी के हिसाब से चेंज होती रहती है, एंड साइमल्टेनियसली उसके कोई स्टैटिक आंसर नहीं रहता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन द फैक्चुअल प्रेजेंटेशंस, सोशल साइंस के आंसर डिफर करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ मॉडर्न हैं आप या नहीं, तो ये एक इनकम्प्लीट सा आंसर होगा। हाँ मैं मॉडर्न हूँ, लेकिन नहीं मैं मॉडर्न नहीं हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, राइट? तो मॉडर्न का मतलब एक तो हमें डेफिनेशन वाइज समझना पड़ेगा क्या है, उसी डेफिनेशन में हम यस और नो नहीं डिसाइड कर सकते हैं, राइट? हाँ, अगर कोई फैक्ट्स है, अगर कोई स्टैटिस्टिक है, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है विच इज बाइनरी, राइट, तो हम फैक्चुअल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो कि फैक्चुअल होते हैं, बाइनरी होते हैं, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, राइट? सो इस पूरा का पूरा जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट हाउ अ सोशल साइंस, मतलब कि जो यूनिवर्सिटीज हैं जो सोशल साइंस पढ़ा रही हैं, वो मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस को अपना फोकस ना बनाएं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस रेस्ट्रिक्ट कर देती हैं हमारी सोचने की क्षमता को, वो रोक देती हैं कि हम क्या सोचें क्या समझें। इसी बारे में ये पूरा का पूरा टॉपिक है और हम यही समझेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट चूजिंग अ राइट आंसर फ्रॉम अ सेट ऑफ मल्टीपल चॉइस डज नॉट डू जस्टिस टू द सब्जेक्ट एंड नुआंसेस ऑफ सोशल इश्यूज, राइट? अच्छा, अब तो जैसे मान लो कि ये हो गया कि सरकार मिड डे मील दे रही है लोगों के भरण पोषण के लिए, हाँ या ना? हाँ, दे रही है सरकार, राइट? लेकिन हम सबको पता है ना क्या चैलेंजेस हैं। सरकार ने राइट टू एडुकेशन, चलो राइट टू एडुकेशन छोड़ो, सरकार ने राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई की रजामंदी दे दी है, वो अच्छा है या नहीं? आप कहोगे हाँ अच्छा है, लेकिन ये सब सोशल इश्यूज से मामले जुड़े हुए हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल सोशोलॉजी में आप जेंडर के ऊपर सवाल ले लो कि भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज बैड फॉर सोसाइटी, ठीक है? आप ऑफ कोर्स कहोगे नो, राइट? आपका आंसर रहेगा, या आपका आंसर रहेगा यस, इट इज बैड फॉर सोसाइटी, दैट डिपेंड्स अपॉन दी रीजन, दैट डिपेंड्स अपॉन दी ज्योग्राफिकल एरियाज, राइट? अगर आप बहुत एक्सट्रीम लोकेशन में जाओगे तो लोग कहेंगे कि अरे क्यों नहीं, हमें सेक्स पता होना चाहिए पहले, तभी तो हम फिर लड़का है लड़की करेंगे। और जो मॉडर्न लोग होते हैं, या फिर जो कुछ ऐसे डेमोग्राफीज होते हैं जो कि एडुकेशन वाइज जो कि बहुत समझदार होते हैं इन मामलों में, वो मना कर देंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी विल डिस्कस हियर। तो सोशल साइंस के बारे में हम ये डिस्कस करेंगे कि अभी आपने देखा होगा कोविड जैसे ही हमारा थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ है, तो ढेर सारे यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ओपन हो गई हैं, कॉलेजेस ओपन हो गए हैं, ठीक है? सो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी जो है वो स्कूल वाला फंडा ना अपनाए, यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिसिटी पे बरकरार रहे, राइट? सो बेसिकली व्हाट इज ग्रे इन दी एम्बिगुअस एरिया, ठीक है? सो बात यहां ये चल रही है कि इट इज नॉट दैट द पथेटिक एंड ऑब्सेसिव ग्लोरिफिकेशन ऑफ टॉपर्स नीडेड टू टॉप अप, स्टिल आवर एडुकेशन पॉलिसी मेकर ऑफन फॉरगॉट दैट द बाइनरी ऑफ यस और नो इज एन ऑलमाइटी सैंक्रोसेंक ट्रुथ, ये कोई सैंक्रोसेंक ट्रुथ नहीं है, राइट? सो ये चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात ये हो रही है यहाँ पे कि जो कॉलेज होता है, जो यूनिवर्सिटीज होती है, उसकी जो फाउंडेशन है ना, इट्स ऑल अबाउट विद फुलफिलिंग विद द स्पिरिट ऑफ मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी इज लाइक एक सवाल का कई आंसर, एक सवाल का एक जवाब नहीं होता है, राइट? सो द मल्टीप्लिसिटी मतलब कि मल्टीपल मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मल्टीपल मोड्स ऑफ एनालिसिस। अच्छा, हम यहाँ क्या करते हैं, ओपन एनालिसिस में हम एनालिसिस करते हैं, राइट? हम उसको एग्जामिन करते हैं, हम उस जो टॉपिक है उसको तोड़ मरोड़ के फिर डिटेल में समझते हैं। इसके कई सारे मीनिंग भी हो सकते हैं, कई सारे इसके इंटरप्रिटेशंस भी हो सकते हैं, राइट? सो हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की तरह चल रहे हैं, हम कोई एमसीक्यू एमसीक्यू नहीं खेल रहे हैं। और अगर यूपीएससी के लिए भी अगर आप सिर्फ एमसीक्यू एमसीक्यू खेलोगे, आप कभी नहीं जीत पाओगे इस एग्जाम को, राइट? सो सब्जेक्टिव होना पड़ेगा, सोशल साइंस
is all about being subjective rather than being objective. Being objective is only in terms of facts, figures, statistics, that's it, right? So, हमारी बात ये हो रही है यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की. JNU में आप देखते हो कि वहाँ पे कम्युनिज्म भी है, वहाँ पे आपको मार्क्सिज्म भी दिखेगा, वहाँ पे आपको यूटिलिटेरियनिज्म भी दिखेगा, इंडिविजुअलिज्म भी दिखेगा, अथॉरिटेरियनिज्म भी दिखेगा, हर तरह की विचारधारा वहाँ, गांधीज्म भी वहाँ पे, हर तरह की विचारधारा वहाँ पे आपको दिखने मिल जाएगी, राइट? सो दिस इज वॉट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी मेंटेन करके रखो. बच्चा अगर आपके यहाँ आ रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी थॉट प्रोसेस को और ब्रॉड करिए, ना कि सिर्फ वो मल्टीपल चॉइस में बंद करके जीवन उसका रह जाए, राइट? सो द वही जो मैंने हेट्रोसिटी वाली बात बताई, तो भारत क्या है? भारत एक हेट्रोजिनस कंट्री है कि पग पग पे हर 10 किलोमीटर पे 50 किलोमीटर पे भाषा चेंज होती है, रहन सहन चेंज होता है, खाने पीने का तरीका चेंज होता है. तो हमारा एक सवाल का एक स्पेसिफिक जवाब नहीं हो सकता सोशल साइंस में, ठीक है? सो वंस पोजिशन ऑफ एनी सोशल इशू, बीट अब चाहे वो कास्ट वाली बात हो गई, चाहे वो अब रिजर्वेशन की बात हो गई, या फिर हाईवे से पेड़ काटे जा रहे हैं, या फिर किसी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की बात हो गई, ठीक है? ये सारे जो मामले हैं दोस्तों, ये बहुत ही ग्रेव और बहुत सीरियस मामले हैं जो कि डिस्कशन चाहिए इस पे, राइट? कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिजर्वेशन, इनमें यस और नो पे नहीं चलेगा मामला, ठीक है? इन सबों में सब्सटेंशिएशन चाहिए, इन सबों में प्रूफ चाहिए, फिलोसॉफिकल प्रूफ, थियोरेटिकल प्रूफ चाहिए, ओके? सोसाइटल प्रूफ चाहिए, आइडियोलॉजिकल प्रूफ चाहिए, राइट? सो एज अ रीडर और अ स्कॉलर, वन इज नॉट फ्री टू गेट अदर्स क्लेम एंड आर्ग्यूमेंट, राइट? जो भी स्कॉलर होते हैं, हर एक क्वेश्चन का कई सारे तर्क वितर्क होते हैं, ठीक है? तो हमें जो है, हमारे इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, दे आर फ्री टू डिसअग्री विद समवन एल्स एज द रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, राइट? सो हमारे पास ये एक फ्रीडम है कि हम डिसअग्री हो सकते हैं, डिसेंट, राइट टू डिसेंट, जो आप कहते हो ना कि सेक्युलरिज्म सेडिशन में जो आता है 124A, हमारा जो IPC एक सेक्शन 124A है सेडिशन का, उसमें यही बात आती है ना कि भाई राइट, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को हिंडर किया जा रहा है, तो राइट टू डिसेंट होना चाहिए, राइट? सो एक फ्री आइडिया, एक फ्रेश आइडिया हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए, राइट? सो बात यहाँ आती है कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपना काम अगर अच्छे से करेंगी, सो हर यूनिवर्सिटी दे कैन गो बियॉन्ड द सिलेबस, एंड इफ एनीबडी हु हैज थॉट टू बी, मुझे इस सिलेबस के बियॉन्ड जाना है, मुझे इससे आगे भी पता करना है कि इससे आगे भी क्या होता है, दैट इज एन इनक्रेडिबल थिंग विच इज हैपनिंग. अ गुड यूनिवर्सिटी कंसिस्टेंटली इनकरेजेस इट्स स्टूडेंट टू गो बियॉन्ड सिलेबस. अ गुड यूनिवर्सिटी is actually allow its student to question everything instead of expecting them to fall in line, right? A good university wahi hoti hai which one can expect each other questions, right? So basically ek university achhi tab hogi jab one can expect questions from each other, one can question oneself, one can question on one's social circumstances, one can question on operational structure of the university. कोई ये सवाल उठा सकता है कि भाई teachers, once teachers and all kind of injustice, discrimination, and one can also question the idea of questioning as well. Therefore, the knowledge of production is actually institutes the excellence across the world and is premised on questions and criticizing. राइट, सो ये पूरा का पूरा जो मामला है वो आप देख रहे हो, इट्स ऑल अबाउट हाउ गुड अ यूनिवर्सिटी कुड बी, और कितने क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए, ताकि हमारा जो ये मस्तिष्क है, ये ब्रेन है, ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और सोचे, ना कि ये नैरो डाउन हो जाए और फिर हम MCQs में ही बदे रह जाएं. सो डाउटिंग, डिसअग्रींग एंड डिसेंटिंग, वंस अगेन DDD, यानी कि डाउटिंग, डिसेंटिंग एंड डिसअग्रींग, ये हमारा हार्ट है किसी भी एडुकेशन इंस्टीट्यूट का, किसी भी एडुकेशन फील्ड का, और ये राइट है आपका कि आप पूछ सकते हो वो चीज़ें, ठीक है? स्पेशली जो सोशल साइंस वाले मुद्दे में आते हैं. क्या क्या आते हैं भाई, देख ही रहे हो आप, PSIR हो गया, एंथ्रो हो गया, सोशोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सारी चीज़ें,
राइट, इंडियन सोसाइटी का पूरा पार्ट हो गया आपके. सो सोशल साइंस ऑपरेट्स लाइक मल्टीपल ट्रूथ. ओके, कहते हैं वो संस्कृत में एक टर्म कहते हैं, उसका अर्थ ये है कि सत्य एक ही है लेकिन सारे ज्ञानी अपने अपने हिसाब से उस सत्य का इंटरप्रिटेशन करते हुए आ रहे हैं. राइट, दिस इज ऑल अबाउट सोशल साइंस, एकम सत्यम अनेकम ऐसे कुछ करके है उसका. राइट, सो सोशल साइंस ऑपरेट्स विथ मल्टीपल ट्रूथ्स लाइक डायलेक्ट. दीज ट्रूथ्स ऑल्टर, जैसे जैसे वो जबान चेंज होती रहती है, भाषा चेंज होती है, भाषा शैली चेंज होती है, वैसे वैसे ये सच्चाइयाँ भी चेंज होती हैं, ये बदलती हैं. ठीक है, उनका भी सच सही है, उनका भी सच सही है, और आपका भी सच सच है. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन वंस पर्सपेक्टिव एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन, जस्ट लाइक एवरी डायलेक्ट इज डोमिनेंट इन स्पेसिफिक स्पेस एंड देयर इज नो गुड एंड नो बैड डायलेक्ट. राइट, therefore every perspective is valid in its own context and is beyond the simplistic of true and false. ठीक है, so बात total यहाँ कहने को यही आ रही है कि भाई the social science की जो capacity है वो बहुत broad है और लोगों को absorb करने की capacity बहुत कम है. तो अगर हम इसकी capacity को बढ़ाते हैं, अगर हम अपने freedom of free speech, right to disagree, right to dissent और right to doubt को अगर हम यूनिवर्सिटीज कॉलेज लेवल पे अगर हम अप्लाई करते हैं, सो हमारी सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगी उस पर्टिकुलर टॉपिक को जानने के लिए. हम बहुत ही अक्वेंटेड होंगे विथ नॉलेज से. ओके, हमें कहीं पे भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस बात को डिस्कस करने के लिए. सो वी लर्न लेस और ऑलमोस्ट नथिंग बाई टिकिंग और स्टेटिंग और रिमेंबरिंग फैक्चुअल करेक्टेडनेस वाइल ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर माइंडलेस एंट्रेंस एग्जामिनेशन. बात सही है कि आपने एक जगह पढ़ लिया, ठीक है, और आपको क्वेश्चन भी दे दिया गया, आपको उसमें आंसर भी दे दिया गया, चार आंसर हैं, आपको एक सही करना है. इस वजह से हमारा मतलब हो नहीं पाता है तैयारी, अच्छे से तैयारी नहीं हो पाती. कई सारे जो एग्जाम है, जैसे अब CUET आ गया या फिर प्रिलिम्स का पहला फेज आ गया, वो मतलब हो नहीं पाता. बहुत सारे ऐसे काबिल बच्चे होते हैं जो कि प्रीलिम्स नहीं पार कर पाते हैं क्योंकि उनकी क्षमता दूसरी होती है. वो सोशल साइंस वाले बच्चे होते हैं, वो सब्जेक्टिविटी वाले बच्चे होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी के जंगल में फंस जाते हैं बस. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मजा आ गया है इस टॉपिक को पढ़ते हुए कि सोशल साइंस ऑपरेट्स विथ मल्टीपल ट्रूथ्स. राइट, एक सत्य एक है लेकिन हम सब उसको इंटरप्रेट करते हैं अपने अपने हिसाब से, और यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ये इंश्योर करनी चाहिए कि भाई जितने भी उनके स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ने, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको ये मौका मिलना चाहिए कि यार तुम डिबेट करो, तुम एक्सटेम्पो, तुम मतलब संवाद करो, कॉन्वर्जेशन करो नए नए टॉपिक्स पे. तुम गलत ही बोलो लेकिन बोलो तो सही. राइट, सो दिस इज हाउ अ प्लेटफॉर्म विल बी बिल्ट एंड दिस इज हाउ यू विल गेट एन एक्सपोजर. राइट, चलिए ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, मज़ेदार था, होप आपको समझ में आया होगा. हम नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे चलते हैं जो शशि थरूर जी का है. शशि थरूर जी ने कहा है कि द वर्ल्ड मस्ट लिव एंड वर्क टुगेदर अगेन. यहाँ पे अगेन की बात क्यों कही गई है? सी, कोरोना वायरस के टाइम पे हम सब ने देखा था कि हर कंट्री अपने अपने स्टेट के लिए, अपने अपने सिटीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा बायस थी, और होनी भी चाहिए. ठीक है भाई, उन्हीं कंट्री के रिप्रेजेंट मतलब सिटीजन्स ने आपको वोट किया है तो आप बायस नहीं रहोगे उनके लिए, रहोगे ना, है ना. लेकिन मल्टीलेटरलिज्म में यहाँ पे बात दूसरी है. मल्टीलेटरलिज्म मतलब कि एक 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 ऐसी बॉडी जो पूरे वर्ल्ड के सेंटर में है, जो पूरे वर्ल्ड के सेंटर में एक ऐसी बॉडी है जो कि वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज के साथ वो कोलैबोरेट कर रही है. वो उसका ये इंश्योर करना है कि पूरे वर्ल्ड में हार्मनी, पीस, सस्टेनेबिलिटी और इक्वालिटी और सॉवरेनिटी बनी रहे. लेकिन जब उसी बॉडी में चैलेंजेस आने लगते हैं, उसी बॉडी में लगता है उसको कि हम वीक हो रहे हैं, उसको लगता है कि हमारे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम आने लगती है. राइट, वो कहते हैं द गार्डियन ऑफ गैलेक्सी, और जिस गार्डियन जो गैलेक्सी को गार्ड कर रहा है उसमें ही चैलेंजेस आने लगे, उसमें ही प्रॉब्लम आने लगे, फिर हु विल गार्ड द गैलेक्सी, फिर हु विल गार्ड द नेशन, फिर हु विल टीच द वर्ल्ड. राइट, सो मल्टीलेटरलिज्म का जो एग्जाम्पल था वो सेम और सेम शशि थरूर साहब ने ये कहते हुए दिया है कि COVID-19 से पहले भी सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि स्टेट एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे. बहुत सारे ऐसे स्टेट थे, स्टेट मतलब कंट्री, ओके, बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो कि बायलैटरल मीटिंग्स स्किप कर रहे थे,
जो ट्रेड टाइज हो रहे हैं, जो अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उस पे वो 100% अपनी अकम्प्लिशमेंट या 100% अपना फोकस नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा आए, ठीक है, लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि हम सब साथ में मिलकर रहें, तो ऐसा मामला चल रहा है। सो मल्टीलेटरलिज्म का कंसेप्ट मैंने यहाँ आपको मेंशन कर दिया है। मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है कि रिलेशन बिटवीन थ्री और मोर ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स, उसको कहते हैं मल्टीलेटरलिज्म। अब जैसे कि यूएन है, यूएन एक मल्टीलेटरल बॉडी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। यूएन की सारी बॉडी मल्टीलेटरलिज्म है। बेसिकली उनका काम क्या है, लगभग जितने भी कंट्रीज उनके साथ एसोसिएट होते हैं उनको रेगुलेट करना, उनको पीस एंड हार्मनी मेंटेन करना। जो बॉडी जिस पोजीशन के लिए है उसमें पीस ट्रैंक्वालिटी मेंटेन करना, राइट। सो कुछ प्रिंसिपल हैं जिस पे मल्टीलेटरलिज्म काम करती है। वो प्रिंसिपल है डिफ्यूजन ऑफ रेसिप्रोक्रिसिटी, वो है इंडिविजुअलिटी अमॉन्ग पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड सिस्टम ऑफ सेटल डिस्प्यूट। ये कुछ चार पांच इसके प्रिंसिपल्स पे ये काम करते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इंडिविजुअलिटी पे ले लें, अगर नाटो की बात रख लें, सो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत लगभग 30 कंट्रीज हैं उसके अंदर। सो अगर कोई देश नाटो के किसी कंट्री पे हमला कर रहा है, अगर यूक्रेन और रशिया का एग्जांपल ले लें, फर्ज करिए कि यूक्रेन नाटो का पार्ट है, यूक्रेन पे अगर रशिया हमला करता है तो मतलब कि नाटो के पूरे सदस्य पे हमला होना है। इससे इंडिविजुअलिटी मेंटेन भी रहती है और इससे सॉवरेनिटी मेंटेन रहती है, तो मतलब कि वो पूरा का पूरा 30 ग्रुप कंट्रीज जो हैं वो अटैक कर सकती हैं रशिया पे। तो ये एक इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिस्टिक और फिर इंडिविजिबिलिटी का भी मामला आता है। दूसरा है रेसिप्रोकिसिटी। रेसिप्रोकिसिटी मतलब कि डिफ्यूजन ऑफ रेसिप्रोसिटी, इट्स ऑल अबाउट हाउ वी रेसिप्रोकेट आवर ट्रेड, हाउ वी रेसिप्रोकेट, हाउ वी रिप्लाई, हाउ वी अप्रिशिएट, हाउ वी इंक्रीज आवर बायलैटरल ट्रेड, हाउ वी इंक्रीज आवर इकोनॉमी बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव रिसीव्ड, ओके। थर्ड है अमंग पार्टिसिपेंट्स ऑन इंटरेस्ट। फोर्थ है एंड सिस्टम ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स। सेटलिंग डिस्प्यूट इज लाइक वो होता है मीडिएशन, राइट, कि कहीं पे भी कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो हम किसी गिव एंड टेक वाला मामला, बार्टर सिस्टम वाला मामला, सो डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, जैसे हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कोई भी मामला हो गया इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा तो फिर एक सेटलमेंट डिस्प्यूट होगा, या फिर जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, कोई भी मामला होगा वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, अगर कोई डिस्प्यूट है तो फिर वो रिजॉल्व होगा, राइट। सो चैलेंजेस ऑफ मल्टीलेटरलिज्म और पर्पस ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। पर्पस क्या है मल्टीलेटरलिज्म का, हम सबको पता है कि बाय डेवलपिंग बॉन्ड अमॉन्ग पावरफुल नेशन, राइट, डिस्करेजिंग यूनिलेटरलिज्म। यूनिलेटरलिज्म मतलब सिंगल, जैसे चाइना का, चाइना कभी कभार यूनिलेटरलिज्म को फॉलो करता है कि भाई हम ज्यादा मतलब एक्सपोर्ट कम करेंगे और इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमारा जो मामला है वो मतलब हम अपने कंट्री को ग्रो करेंगे, अपने यहाँ की इकोनॉमी बिल्ड करेंगे, ठीक है। यूनिलेटरलिज्म हो गया। इनेबलिंग स्मॉल पावर्स टू वॉइस देयर ओपिनियन, राइट, छोटी छोटी कंट्रीज हैं जैसे कि फिनलैंड हो गया, जैसे नेपाल हो गया, श्रीलंका, देख रहे हैं आप हालत क्या है, राइट। Empowering small powers so that they are vested with the power to exercise wishes, right? Challenges इसमें भी आते हैं। जिस चैलेंज की यहां बात हो रही है उसी एक चैलेंज पे पूरा आर्टिकल शशि थरूर जी का मेंशन है। वो क्या है कि मल्टीलेटरलिज्म का सबसे बड़ा चैलेंजेस है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन होगा तो मल्टीलेटरलिज्म पे थोड़ा सा असर पड़ेगा। जहाँ पे भी धंधे की बात होती है, जहाँ पे भी बिजनेस की बात होती है, जहाँ ट्रेड डील्स बायलैटरल टाइज की बात होती है, जहाँ फंड्स की बात आती है, वहाँ तो फिर दिक्कत आई जाती है, तो फिर सॉवरेनिटी मेंटेन नहीं हो पाती, फिर जो है ऑटोनॉमी वो 100% नहीं रह जाती, राइट। श्रीलंका का एग्जाम्पल देख लीजिए आप, सॉवरेन थी श्रीलंका लेकिन डिपेंडेंट थी, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट थी चाइना पे, इंडिया पे, यूएस पे, जापान पे, वो डिपेंडेंट थी, है ना। सो ग्लोबलाइजेशन, डिसइल्यूजनमेंट, इनएडिक्वेसी टू फॉलो द रूल्स टू फेस द न्यू चैलेंजेस एंड लैक ऑफ गुड नैरेटिव टू सपोर्ट द कंसेप्ट। तो ग्लोबलाइजेशन एंड डिसइल्यूजनमेंट, दीज आर द बेसिक कोर एंड इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। तो अब ये समझते हैं इस आर्टिकल में कि क्या कह रहे थे शशि थरूर जी।
इस आर्टिकल में इन्होंने बताया कि लगभग इन्होंने 30 साल तक यूनाइटेड नेशन को समझा है, उनके साथ रहे हैं ये. ऑफ कोर्स ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं तो बहुत करीबी से जाना होगा. उनका ये कहना है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मल्टीलैटरलिज्म का जो वर्च्यू है, जो उसका जो कोर कंसेप्ट है, जो कोर आइडियोलॉजी है, वो उसका प्रोस्पेक्ट सही नहीं दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है, दिक्कत दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूक्रेन क्राइसिस को भी अभी ले लें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज अ वेरी पावरफुल, वेरी 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 पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन एट द वर्ल्ड लेवल. उसके होते हुए भी यूक्रेन की क्राइसिस हुई, हजारों लोग यूक्रेन में मारे गए, कितने यूक्रेन की जो विमेन्स थी उनके साथ रेप हुआ, उनके साथ और ढेर सारे गलत काम हुए, लोगों की हत्याएं हुई, इकोनॉमीज कितनी डिस्टर्ब हुई, यूरोप की इकोनॉमी कितनी डिस्टर्ब हुई, ऑयल प्राइसेस हाइक हो गए हैं, कितने सारे कमोडिटीज के प्राइस हाइक हो गए हैं, रशिया मान नहीं रहा है. और जबकि रशिया यूएनएससी का सबसे खास मेंबर है, 5 मेंबर्स होते हैं उसमें से एक रशिया है जिसके पास वीटो पावर है. सो इसी मामले में शशि थरूर जी का कहना है कि जब ये ग्लोबलाइजेशन का मुद्दा शुरू शुरू में स्टार्ट हुआ था तो कई जगह से बैकलैश आए थे, ठीक है, पॉलिटिकली कई जगह से लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, जिसके दो तरीके, दो फॉर्म्स आए थे. पहला था इकोनॉमिक बैकलैश और दूसरा था कल्चरल बैकलैश. अब इकोनॉमिक बैकलैश वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था. बेसिकली इकोनॉमिक बैकलैश ये था कि जो पुअर और अनएम्प्लॉयड जो है ना, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में जो भी पुअर और अनएम्प्लॉयड हैं, वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे कि मेरी कंट्री दूसरे कंट्री में क्यों जा रही है, डेवलपिंग कंट्री में क्यों जाके बिजनेस कर रही है. आप समझ में आ रहा है कि जो फॉर एग्जांपल अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, रशिया एंड ईयू, राइट, इसमें भी गरीब होंगे ही, इसमें भी अनएम्प्लॉयड होंगे ही. कहने का ये मतलब है कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उस देश के ये नागरिक जो अनएम्प्लॉयड, जो पुअर हैं, वो ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि इंस्टेड ऑफ एम्पावरिंग दीज पीपल हु आर डिपेंडेंट, हु आर इकोनॉमिकली नॉट वेल ऑफ, आप दूसरे कंट्री में जाके वहां बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हो. ये एक दर्द था, ये एक दिक्कत थी इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्रीज के लिए. ये पूरा का पूरा जो ग्लोबलाइज सिस्टम था उसके लिए प्रॉब्लम हो रही थी. यहाँ से यूएस से लोग बिजनेस खड़ा कर रहे थे चाइना में, यूएस से लोग बिजनेस कर रहे थे इंडिया में. अब वो करने का रीज़न अलग है, दैट इज़ डिफरेंट इकोनॉमी, राइट, कि वहाँ चीज़ें सस्ती हैं, लेबर सस्ती है और अच्छा ट्रेड मिलेगा. बट खुद के कंट्री के लोग जो पुअर हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, वो लोग सवाल उठा रहे थे. दे वॉन्टेड टू एक्चुअली रिड्यूस inequality in every developed economy and go back to the security of older, I mean much more familiar economic ways. ठीक है, तो basically जो लोग वहाँ के ये चाहते थे कि भाई जो हमारे बाप दादा कमा के गए हैं उससे ज़्यादा ही हम कमाएं, उससे ज़्यादा ही हम earn करें, right? So this is what all about कि US के लोग या फिर European Union के लोग वो नहीं चाहते हैं कि अपनी कोई unit लिया के यहाँ पर खड़ा करें. और इसी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो उनका नारा आया था क्या, अमेरिकाज फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दैट दे विल फर्स्ट स्टेबलाइज देयर पीपल, स्टेबलाइज देयर इकोनॉमी, और उसके बाद फिर वर्ल्ड में कोई ना कोई बिजनेस करेंगे, कोई धंधा करेंगे वो. ठीक है, सो द कल्चरल बैकलैश डिराइव्ड फ्रॉम द सेम रिसेंटमेंट बट एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ इन अ डिफरेंट एरिना. The political denunciation of global trade led to hostility in the former. अब भाई political denunciation of global trade शुरू शुरू में यही हुआ कि globalization को कोई support नहीं कर रहा था. सब यही कह रहे थे कि विदेशी आएंगे हमें लूट के चले जाएंगे, विदेशी आएंगे हमें बर्बाद करके चले जाएंगे, जैसे कि अंग्रेजों ने किया था. इस वजह से जो foreign countries हैं, जो foreigners हैं, उनको हम हे दृष्टि से देखते थे. मतलब कि हम एक बहुत ही unsatisfied, एक अनअप्रोप्रिएट वे से उनको देखने लगे कि ये लोग आएंगे हमसे लूट के चले जाएंगे, राइट. सो दिस इज हाउ लोग ट्रेडिशनल सिस्टम में देखा करते थे, समझा करते थे. ठीक है, स्पेसिफिकली जो हमारे मिडिल क्लास हैं, जो हमारे लोअर मिडिल क्लास हैं, उनको ये लगता था कि भाई जो ग्लोबल एलीट्स हैं वो फेवर कर रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि वही बात होगी कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे एक जो प्रिंसिपल शशि थरूर साहब ने दिया है, ही सॉ द वर्ल्ड्स एज डिवाइडेड
इंटू डेविड गुडहार्ट्स फॉर्मुलेशन बिटवीन समवेयर्स एंड एनीवेयर्स। समवेयर्स एंड एनीवेयर्स का क्या मतलब है? समवेयर्स और एनीवेयर्स, एनीवेयर्स वो लोग होते हैं पीपल बीइंग हु आर कंफर्टेबल एनीवेयर ऑन द प्लैनेट। ये वो एलीट HNI ग्रुप होता है, एलीट क्लास होते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कंफर्टेबल हो जाएंगे, बस पैसा फेंको होटल में पार्टी में ये लोग अवेलेबल हो जाएंगे, राइट, किसी भी इंटरनेशनल गैदरिंग में। वहीं पे जो समवेयर्स होते हैं, समवेयर्स आर रूटेड टू वन प्लेस, दे आर इमर्स्ड इन वन रिलीजन वन कल्चर, दे स्पीक वन लैंग्वेज एंड शेयर देयर एथनिसिटी, दे आर समवेयर्स, राइट। सो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी क्या थी? इसमें पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी ये थी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके अंदर की नेशनलिज्म वाली भावना आ गई कि भाई आत्मनिर्भर भारत, जैसे हमारे मोदी जी भी करते हैं आत्मनिर्भर भारत, ये वाली भावना लगभग कई सारे कंट्रीज में आ गई, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप में आई, जैसे कि ये टर्की के जो प्राइम मिनिस्टर थे अर्दोगान, इनके में आई, इनफैक्ट कुछ ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट थे उनके में ये भी भावना आई। सो बेसिकली अदर्स हैव बीन राइजिंग फ्रॉम ऑल्टरनेटिव, ठीक है, जैसे कि जर्मनी में हुआ, अभी फ्रांस में हुआ, फिर जिम्बाब्वे में हुआ, कई जगह ऐसे इलेक्शन हो रहे हैं जहाँ पे भाई वहाँ पे क्या मामला आ रहा है, किस नेशनलिज्म का मामला आ जा रहा है कि इन सारी चीज़ों की वजह से हम नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट की एक भावना दिख रही है। सो टुगेदर सच पार्टीज एंड लीडर्स कंबाइनिंग नेशनलिस्ट फर्वर विथ पॉपुलर प्रेजुडाइसिस हैव मेड नेशन नेशनलिज्म द डिफॉल्ट मॉडल ऑफ नेशनल सेल्फ डेफिनेशन, ठीक है। सो सेल्फ डेफिनेशन का और सेल्फ डिफेंस का एक सिंपल सा मॉडल इन सब लोगों ने अपना लिया था, क्या? नेशनलिज्म, 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 ठीक है भाई। राष्ट्रवाद, 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 राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हम सेल्फ डिफेंस में इसको यूज़ करेंगे। राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि हम अपने साथ अपने लोगों की सुरक्षा करेंगे और उनके वेलफेयर करने की, उनके वेलफेयर, एक हमारे स्टेट को वेलफेयर होने में हम सपोर्ट करेंगे। राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं है कि हम रिलीजनलिज्म या रीजनलिज्म करेंगे। राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि हम एक यूटिलिटेरियनिज्म और एक फुल ऑफ सॉवर्निटी, फुल ऑफ ऑटोनॉमी स्टेट हम खड़ा करेंगे, ठीक है। सो COVID-19 पैंडेमिक कन्फर्म्ड फॉर मेनी दैट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस पीपल रिलाय ऑन देयर गवर्नमेंट टू शील्ड देम, द ग्लोबल सप्लाई चेन आर वुलनरेबल टू डिसरप्शन एंड दैट डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज सच एज फार्मास्यूटिकल कंट्रीज, या फिर फार्मास्यूटिकल्स हो गया, कोई मेडिसिन हो गया, कोई इंग्रीडियंट होगा जो कि नहीं मिल पा रहा है, एंड नाउ दिस इज टर्निंग टू अ फेटल, right? So there was a rush to reset the global supply chain and raise the trade barrier. The demand arose for more protectionism and self-reliance. जैसे कि श्रीलंका का देखो आप, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी alternative के श्रीलंका जो है वो सेल्फ रिलायंट होने चल गया था एग्रीकल्चर के फील्ड में, और क्या हालत हो गई है कि आज के टाइम पे अब तो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है वो यही कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो पेट्रोल ही नहीं है। तो नेशनलिज्म के नाम पे आप सेल्फ रिलायंट ऐसे मत बनो कि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो, देन यू विल एंड अप इनटू अ मेजर डिजास्टर। इनफैक्ट जो रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन फोर्स्ड ऑल द कंट्रीज टू ग्रैपल विद द लिमिटेशन ऑफ स्टेट सॉवरनिटी, तो जो यहाँ पे जो यूएन की सॉवरनिटी है, यूएन चार्टर की जो सॉवरनिटी है वो, और जो नई डिस्ट्रप्शन सप्लाई चेन हो रही है वो, और हमारा जो इंटरडिपेंडेंस है और हमारा जो वेलफेयर है स्टेट्स का, यहाँ पे वो डिस्टर्ब हो रहा है, राइट। सो आई होप ये पूरा आर्टिकल आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। सो वुलनरेबल द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, ये वाला पैराग्राफ आप देखिए, इसमें द वर्ल्ड इकोनॉमी हैज थ्राइव्ड सिंस ग्लोबलाइजेशन बिगेन इन 1980 एज एन ओपन सिस्टम फॉर फ्री ट्रेड, राइट। सो That had already been shaken by the financial crash, इतना American trade war with China, novel coronavirus pandemic, इतने सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, trajectory move हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ कि कुछ ऐसे मामले हैं जो कि UN में already weak हो रहे हैं, जैसे कि UN, United Nations Security Council से European Union का जाना, America leaving the landmark
पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पुलिंग यूनाइटेड स्टेट्स आउट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा का सारा ये दर्शाता है कि भाई जो हमारी सोवरेनिटी है, हमारी जो संप्रभुता है, वो अभी एकाग्र नहीं है. दे आर सोवरेनिटीज आर असर्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड, द ट्रीटीज एंड द ट्रेड अग्रीमेंट्स आर इंक्रीजिंगली क्वेश्चनड. मल्टीलेटरलिज्म द once taken for granted mantra for international cooperation, now isolation voices portray themselves as being vindicative. So mota mota ye hai ki aap jitne bhi matlab governments needed hai, yet it is clear that the sheer complexity and immeasurability of our interdependence require more global governance, not less. So yahan pe baat aa rahi hai puri global governance ki. और कौन करेगा ग्लोबल गवर्नेंस, ये इंश्योर करना पड़ेगा यूएन को कि हम फिर से जैसे हम जब हम शुरू हुए थे, जब 1950s 60s में हमने जो इम्पैक्ट दिखाया था, हमारा जो इम्पैक्ट था, हमारा जो दबदबा था, वो फिर से करना पड़ेगा. और ग्लोबल गवर्नेंस शुड भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज लोग स्टेट नेशन अपनी मनमानी करने लगेंगे और फिर यही हाल होगा जो यूक्रेन का हुआ है और शायद वो हुआ होगा जो यूएस ने एक टाइम पे क्यूबा के ऊपर किया था, राइट. सो शशि थरूर कह रहे हैं, इन माय 29 इयर्स एट द यूनाइटेड नेशन द की लेसन आई लर्नड इज दैट द वर्ल्ड इज बेटर प्लेस व्हेन कंट्रीज एंगेज इन डायलॉग्स. जब कंट्रीज डायलॉग के साथ एक्सचेंज करती हैं, देन वर्ल्ड विल बी एट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एंड हार्मनी, अदर देन कि भाई वो उसी फोरम को यूज करेंगे किसी क्रिटिसिज्म पे या फिर कोई ऐसा इशू जो कि फिर वो रिजॉल्व ही ना हो या फिर वो अग्री ही ना हो दूसरे कंट्रीज के बारे में. सो इन द पोस्ट 19 कोविड-19 वर्ल्ड, अनफॉर्चुनेटली कंट्रीज आर टर्निंग देयर बैक्स ऑन सच फोरम्स इन देयर डिजायर टू रिड्यूस देयर एक्सपोजर टू एक्सटर्नल डेंजर्स. ओके, एक्सटर्नल फोर्सेज डू नॉट ओनली रिप्रेजेंट थ्रेट्स, दे ऑल्सो इन्वॉल्व अपॉर्चुनिटीज दैट विजनरी लीडर्स शुड सीज. सो शशि थरूर जी की लर्निंग से हम सबको सीखना भी चाहिए और वी कैन यूज दिस टाइटल इन आवर मेन्स आंसर दैट द वर्ल्ड शुड बी बेटर, द वर्ल्ड विल बी बेटर व्हेन दे विल एंगेज वाया डायलॉग्स इंस्टेड ऑफ डिसएग्रीमेंट्स एंड कंटेंशंस. ठीक है, सो ये है, द ओनली होप फॉर फ्यूचर लाइज इन इंटरनेशनल सॉलिडैरिटी. व्हेन द करंट पैंडेमिक इज ओवर द ग्लोबल मस्ट लर्न लेसन फ्रॉम अबाउट व्हाट हैपेंड एंड हाउ इंटरनेशनल सिस्टम इंस्टीट्यूशन कैन बी स्ट्रेंथन्ड एंड रेडिकली फॉर्म्ड बिफोर टाइम. सो जो हमारा वॉर चल रहा है, जो सैंक्शंस चल रही हैं, इन पे हमें रोक लगानी चाहिए और वॉर वायरस ना बन जाए या वायरस वॉर ना बन जाए, तो इन चीज़ों को हमें इंटरनेशनली समझना चाहिए. होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल था, थोड़ा लेकिन डीप है, अच्छा समझिएगा. और ये क्वेश्चंस हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, मल्टीलेटरलिज्म इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और ये क्रिटिकली एग्जामिन करना है इस स्टेटमेंट को और आपको 250 वर्ड्स लिखने हैं. कमेंट करके हमारे स्पेस में आप आ सकते हैं, शो करिए आंसर और फिर वी विल रिव्यू इट. ओके, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन. जय हिंद.